नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। आमेर थाना क्षेत्र के गोवल पंचायत में डेगाना में एक विद्युत लाइन पर फॉल्ट सुधारने पर चढ़ा अजमेर विद्युत वितरण निगम का लाइन मैन के करंट आने से दर्दनाक मौत हो गई। लाइन मैन विद्युत लाइन के शटडाउन लेकर पोल पर चढ़ा था और अचानक उसके करंट आ गया। उसके बाद उसकी ऊपर ही करंट आने से चिपक गया और काफी देर तक पोल पर लटका रहा। सूचना पर आसपास के ग्रामीण और पुलिस आमेर थाने से मौके पर पहुंची और तब तक उसकी मौके पर मौत हो चुकी थी। बाद में शटडाउन लगकर वापस विद्युत आपूर्ति बंद करवाई, तब तक उसकी ऊपर मौत हो चुकी थी। इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि जब विद्युत लाइन का शटडाउन लिया था तो अचानक बिजली बीच में कैसे चालू हो गई। इसको लेकर अजमेर विद्युत वितरण निगम के अभियंता और कार्मिक कोई भी स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। जानकारी के अनुसार उदयपुर वाटी झुंझुनू निवासी सुनील पुत्र बजरंग लाल मेघवाल विद्युत लाइन का फॉल्ट सुधारने के लिए डेगाना में विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था। इससे पहले डेलना जीएसएस से शटडाउन लिया था, फिर वह विद्युत पोल पर चढ़कर कार्य कर रहा था, तभी विद्युत आपूर्ति अचानक चालू हो गई जिससे सुनील की करंट आने से तार पर चिपक गया और मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना पर आमेर थाने से एएसआई निसार अहमद मई जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही अजमेर विद्युत वितरण निगम आमेर के सहायक अभियंता रोशन लाल भी मौके पर पहुंच गए। फिर विद्युत आपूर्ति बंद करवाने के साथ ही लाइनमैन सुनील के शव को नीचे उतरवाया और आमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने लाइनमैन के परिजनों को सूचित कर दिया है। दूसरी ओर शटडाउन को लेकर विद्युत लाइन की मरम्मत के लिए लाइनमैन चढ़ा था तो फिर जीएसएस से विद्युत आपूर्ति कैसे चालू हो गई। इसको लेकर जीएसएस के कार्मिक अभियंता कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और काफ़ी देर तक विरोध किया। तब पुलिस की समझाइश के बाद उसके शव को आमेर के मुर्दाघर में रखवाया गया है। अब इधर विद्युत निगम के सहायक अभियंता रोशन लाल ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है कि आखिर शटडाउन के बाद बिजली आपूर्ति कैसे चालू हुई, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भीम में फिर कोरोना विस्फोट। भीम कस्बे में 8 वर्षीय बच्ची और 4 महिलाओं सहित 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। एक साथ 7 नए पॉजिटिव आने के बाद भीम कस्बे में फिर सनसनी फैल गई। कस्बे वासियों के साथ ही प्रशासन और चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया। दोपहर को आई जांच रिपोर्ट में 8 वर्षीय बच्ची, 51 वर्षीय महिला, 27 वर्षीय महिला, 51 वर्षीय पुरुष, 63 वर्षीय महिला, 28 वर्षीय युवक और 27 वर्षीय महिला पॉजिटिव आई हैं। इस तरह अब राजसमंद जिले में कुल पॉजिटिव 245 हो गए हैं। लगातार पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ने से भीम 13 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है और पूरा भीम कस्बा बंद है। इस कारण क्षेत्रीय लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी गुनकर ने बताया कि राजसमंद जिले में आज मंगलवार को 6 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जिसमें 4 खमनौर और 2 भीम के हैं, जबकि 7 नए पॉजिटिव आ गए हैं। इस तरह राजसमंद जिले में अब 41 सक्रिय पॉजिटिव रह गए हैं। 245 कुल पॉजिटिव में से 191 नेगेटिव होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 11 लोग नेगेटिव हो गए लेकिन उनके 10 दिन क्वारंटाइन की समयावधि पूरी नहीं होने की वजह से वो कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं। रोडवेज डिपो राजसमंद की बस बेकाबू होकर एक होटल में घुस गई और करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिलों को भी कुचल दिया। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों के साथ रेस्टोरेंट में भी कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे की सूचना के साथ फोटो वीडियो भी राजसमंद जिले के सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिसमें घटना स्थल आरके चौराहा बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह आरके चौराहा राजसमंद का नहीं बल्कि उदयपुर जिले के सेलिब्रेशन मॉल के पास का है, जहां जोगमाया रेस्टोरेंट में रोडवेज बस घुस गई थी और वह बस राजसमंद डिपो की होने से वह बस के नंबर RJ30 के होने की वजह से लोग घटनास्थल को लेकर राजसमंद शहर के अलग अलग चौराहों का कयास लगा रहे हैं। एक बार की स्थानीय लोगों के साथ पुलिस भी असमंजस में पड़ गई, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि यह हादसा उदयपुर जिले का है। इसी तरह की रोचक व ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।